इन्वेस्टर मीट पर मौसम का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आगामी 6 से 8 नवंबर तक अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुमान लगाया है कि निचले इलाकों में बारिश होगी जबकि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। बीते सोमवार को रोहतांग के कई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, इसके साथ ही पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। इन्वेस्टर मीट के लिए मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता धर्मशाला में डटे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने इंद्रनाग मंदिर में शीश नवाया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हम आज भले ही बाहर से निवेशक बुला रहे हों, लेकिन हमारी प्राथमिकता पहले से इन्वेस्ट कर चुके कारोबारियों पर रहेगी। उन कारोबारियों की ग्रोथ के लिए सरकार वचनबद्ध है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खास तौर पर प्रदेश सरकार के कार्यकाल की तारीफ की। धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी 2400 जवानों के कंधों पर है। एसपीजी के नेतृत्व में इनकी टीम तैनात की गई है और मंगलवार को धर्मशाला में पुलिस जवानों ने ब्रीफिंग भी की। सेना की टुकड़ियों को 18 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही एसपी कांगड़ा ने भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी कि इस बार मीट में 1710 इन्वेस्टर आ रहे हैं। इन्वेस्टर पर कांग्रेस ने जयराम सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने ही बयान में उलझ रहे हैं। 24 दिन में निवेश नहीं हो सकता तो इस इन्वेस्टर मीट का क्या मतलब है? ये भी बीजेपी का एक जुमला होगा जिसका शिकार बेरोजगार युवा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि उन्होंने 2 साल में कितने रोजगार दिए हैं। इन्वेस्टर मीट को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच मंत्री रामलाल मारकंडा ने कांग्रेस को नसीहत दी। मंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर मीट से ज्यादा कांग्रेस को अपनी पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए। नीति विहीन और योजना विहीन पार्टी आज खत्म होने की कगार पर है। पच्छाद और धर्मशाला में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता बौखलाहट में इन्वेस्टर मीट को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर जनमंच पर सवाल किए। सुंदरनगर से पूर्व विधायक ने कहा कि जनमंच में समस्याओं का हल करने के बजाय अधिकारियों को हड़काया जाता है। जनमंच आज प्रताड़ित मंच बनकर रह गया है। यहां तक कि जयराम सरकार जनमंच में सरकारी मशीनरी और धन का इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक एजेंडे को चमका रही है। कुल्लू के आनी में स्थानीय लोगों ने विभाग का भंडाफोड़ किया। यहां सड़कें रिपेयर करने का काम चल रहा है लेकिन टारिंग की जगह सिर्फ बजरी ही डाली जा रही है। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और सरकार से सवाल किए। लोगों का कहना है कि एक ओर तो रोड को बंद कर दिया गया और ऊपर से काम भी सही से नहीं हो रहा। सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग ना करे। रोडू के समोली गांव में तेंदुए के दहशत से निजात मिल गई है। सूचना मिलने के बाद वाइल्ड लाइफ टीम ने तेंदुए पर काबू पा लिया है। तेंदुए को पिंजरे में बंद कर शिमला लाया गया है। याद रहे कि काफी समय से यहां तेंदुए की दहशत की खबर आ रही थी जिसके चलते विभाग ने कार्रवाई की। शिमला के चुपाल में एक कार हादसे का शिकार हो गई। बदलाबाग के पास हुए इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं मंडी में एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल होने की खबर है। यहां ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार लाख दावे कर ले लेकिन अभी तक हिमाचल में ऐसे गांव हैं जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची। अब बिलासपुर के अमरपुर गांव के लोगों ने सड़क न होने पर एक वीडियो शेयर किया है। उनका कहना है कि ना तो प्रशासन और ना ही सरकार इस पर गौर करती हैं। सोशल मीडिया पर सैकड़ों ऐसे वीडियो पड़े हैं जिसमें लोग अपने गाँव के लिए सड़क की मांग करते हैं लेकिन नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए। वे ऐसी जिंदगी जीने के आदी हो चुके हैं लेकिन अगर भी कोई बीमार पड़ जाए तो खासी दिक्कत आती है। उनका ये वीडियो अपने आप में सरकार के मुँह पर एक तमाचा है।